हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो आज जानते हैं हम कि फोर्सेस बेसिकली क्या चीज होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की कि मैकेनिक्स के अंदर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो रुकी हो चाहे वो मोशन में हो, आप फोर्स के इफेक्ट के बारे में ही पढ़ते हो। और जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने आपको बताया, ये है रिजिड ऑब्जेक्ट। हालांकि वैसा कोई ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली होता नहीं है मौजूद, लेकिन हम थियोरेटिकली कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है रिजिड है। अब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसको मोशन में लाने के लिए आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, आप उसको रोकने के लिए क्या करते हो? ऑपोजिट फोर्स लगाते हो। तो फोर्स है क्या चीज? फोर्स इज एन एजेंसी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी चीज को, रुकी हुई को, अगर आपको किसी मोशन में लेके आना है तो फोर्स लगाना होगा। अगर कोई ऑब्वियसली मोशन में है, जैसे गाड़ियों के अंदर अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो चलो देखते हैं, डे टू डे लाइफ का केस समझिए। अगर आपके घर में कोई एक बहुत भारी सा कबर्ड है, कबर्ड अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पुश करके लेकर जाना है, तो अगर हम यहां से पुश इफेक्ट देते हैं, नाउ द एग्जांपल इज अ मैन इज ट्राइंग टू पुश अ कबर्ड। अब दो ही केस हो सकता है, या तो कबर्ड आपका खिसक के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, या फिर कबर्ड वहीं रह जाएगा। अगर आपकी ताकत, फोर्स बहुत ज्यादा है, तो आपकी कबर्ड एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी कबर्ड में सामान बहुत भरा हुआ है, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि आपकी जो कैपेसिटी है उसको धक्का मारने की, मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो, अगर वो इनसफिशिएंट है, तो आपका कबर्ड विल टेंड टू मूव, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इफ द फोर्स इज लार्ज द कबर्ड विल स्लाइड और इट विल मूव, एंड इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट देन द कबर्ड विल जस्ट टेंड टू मूव। ये दो कंडीशंस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। सर देखिए, साइन कन्वेंशन जो चीज होती है ना, ये हमारे और आपके मानने वाली बात है। फोर्स के लिए भी कोई साइन कन्वेंशन है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम बात करें, एक्सिस बना देते हैं, तो अगर हम राइट साइड में जो भी फोर्सेस होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जो फोर्सेस होंगे उनको नेगेटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। अभी साइन कन्वेंशन क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे भारत में हम सबने एक साइन कन्वेंशन मान के रखा है कि जब हम गाड़ियां चलाएंगे तो रोड के लेफ्ट में रखेंगे, जब हम खुद चलेंगे तो रोड के लेफ्ट में रखेंगे। लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे देश भी है जहां पे आप गाड़ियां राइट साइड में चलाते हैं, है ना। तो ये खाली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम कुछ रूल्स मान लेते हैं। तो ये उनमें से कुछ एक रूल है कि अगर कोई फोर्स इस दिशा में होगी तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, इस दिशा में फोर्स लगाएंगे तो नेगेटिव बोलेंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। बात करते हैं न्यूटन, जो एक फोर्स को यूनिट दिया गया है वो है, तो इसका जो SI यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये बहुत ही भारी सा एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अकेला नहीं उठा सकता, और मेरे जैसे समझिए 50 लोग भी नहीं उठा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक क्रेन लेकर आते हैं, क्रेन में इसको समझिए मैंने बांध दिया, इसको उठा लिया, एक जगह से दूसरी जगह लेके गया और रख दिया। लेकिन अगर समझिए मेरे पास 100-150 लोग हैं, हम सब उठा के मिला के इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह जरूर लेके जा पाएंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, क्रेन की अकेले की जो फोर्स लगाने की कैपेसिटी है, फोर्स, वो एक क्रेन ना मंगा कर अगर हमने 100-150 लोगों ने मिलकर इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, तो हमने काम तो वही किया, लेकिन हम सबने क्या किया, एक फोर्स को टुकड़ों में बांट दिया। तो एक फोर्स को बहुत सारे टुकड़ों में बांटना को ही हम बोलते हैं रेजोल्यूशन करना या फिर रिजॉल्व करना। सो व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इंप्लाइज दैट ब्रेकिंग ऑफ अ फोर्स, फोर्स को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना इनटू कंपोनेंट्स, वही जो मैं बता रहा हूं, हम जैसे 150 लोग जो हो गए वो एक एक कंपोनेंट हो गए इस फोर्स के, सच दैट द कंपोनेंट्स टुगेदर विल हैव द सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल फोर्स। हम सब मिलाकर भी तो वही काम कर रहे थे जो अकेला एक क्रेन काम कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एक फोर्स को अनेक पार्ट में तोड़ देना, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग अ फोर्स या फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे समझिए यहां पर मैंने आपको एक फोर्स दिखाया हुआ है, इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहूं तो इसको करने के मेरे पास में कई एक रास्ते हैं, मैं इनमें से एक रास्ता ऐसा चुनता हूं। समझिए ये जो था ओरिजिनल फोर्स था एफ, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में एक एफ1 फोर्स ले लेता हूं,
एक यहां पे ले लेता हूं F2 फोर्स, ये जो फोर्स था ये एंगल लगा रहा है थीटा, तो एक फोर्स की जगह मैंने दो फोर्सेस लगा दिए, एक इस डायरेक्शन में लगा दी और एक इस डायरेक्शन में लगा दी। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे समझिए हमारे पास में एक गुलेल है जिसमें दो इलास्टिक बैंड होती है, बीच में पत्थर होता है। मैं ऐसे गुलेल को लेकर अगर पीछे खींच कर किसी जगह पे छोड़ता हूं तो होता क्या है, पत्थर जाता है सीधा, लेकिन जो दोनों इलास्टिक बैंड्स थे एक पत्थर को यहां खींच रहा था एक पत्थर को यहां खींच रहा था। तो अगर हम बात करें पत्थर को दो डायरेक्शन में खींच रहे हैं आप, लेकिन पत्थर जा रहा है अगर सीधा, तो हम बोल रहे हैं कि मेरा वो पत्थर को जो फोर्स मिला है इन दोनों का एक साथ इफेक्ट मिला है। तो ये देखिए फोर्स, या फिर मैं कहूं यहां पे एक पत्थर होता पत्थर को जाना चाहिए था सीधा, मैंने क्या किया यहां पे गुलेल लेकर इस तरीके से मारा है, तो एक फोर्स यहां पे लग रहा है पत्थर पे, एक यहां लग रहा है लेकिन पत्थर चली जा रही है सीधी। लेकिन ये जो दोनों कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं F1 एंड F2 आर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो भाई कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर वाले कौन से होते हैं, तो ये देखिए समझिए, मेरे पास में वापस से एक फोर्स है, ये रहा मेरा फोर्स F, इसको करने का दूसरा तरीका इधर, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक होगा मेरा ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल होगा जो एक्स डायरेक्शन में होगा मैं उसको बोलूंगा F विद द सबस्क्रिप्ट, नीचे जो चीज लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ऑफ एक्स, और इसको बोलता हूं F ऑफ वाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हमेशा हो जाता है F cos ऑफ थीटा, और ये हो जाता है F sin ऑफ थीटा। अगर ये एंगल थीटा होता तो मैं इसको बोलता F cos ऑफ थीटा और इसको बोलता F sin ऑफ थीटा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल आपके पास में दे रहा हूं, ये एक फोर्स है जो 40 डिग्री पे मैंने लगा के रखा है नीचे के डायरेक्शन में। द क्वेश्चन इज टू रिजॉल्व द फोर्स, मतलब इस एक फोर्स को जो इस तरीके से नीचे जा रहा है उसको आप दो फोर्सेस से रिप्लेस करते हैं। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जिसको आपको कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। देखिए सबसे सिंपल तरीका वही, आप गुलेल का एग्जांपल लीजिए, एक फोर्स के जगह आप दो फोर्सेस लगाइए। अब देखिए आपको पत्थर, इमेजिन करिए आपको ये पत्थर नीचे फेंकना है, तो आप क्या करिए यहां से गुलेल रखिए इसको पीछे खींच के पत्थर छोड़ दीजिए, ये नीचे चला जाए, है ना। तो आपको दो कंपोनेंट एक एक्स और एक वाई इस कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो डिवीजन हम कैसे भी कर सकते हैं, मैं यहां पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता हूं, तो ये जो हो गया मेरा Fx हो गया, ये जो हो गया Fy हो गया। अब ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो बेसिक हमारा ये कहता है ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एंगल भी 40 डिग्री है ना। तो अगर ये Fx x के उल्टी दिशा में जा रहा है तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज माइनस, ये है मेरा फोर्स सो, और ये है मेरा एंगल, एंगल के बगल का कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा होता है कॉस, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज 70 कॉस ऑफ 40, ठीक है। इसका जो भी मेरे पास में आंसर आ जाएगा तो हम उसको बात करेंगे कि ये जो आंसर है मेरा आएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आंसर जो भी आया चलिए हम उसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि ये आंसर कितना आने वाला है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ले तो 70 cos ऑफ 40 आता है तकरीबन 53.623, तीसरे डिजिट को राउंड अप करके हमेशा रखिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये है न्यूटन में, तो इसको मैं पॉजिटिव लिखता हूं 53.623 न्यूटन, और इसका नेगेटिव साइन हटाकर मैं लिखा देता हूं इसकी डायरेक्शन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी दिशा होती है डायरेक्शन, तो नेगेटिव और डायरेक्शन दोनों साथ में ना दिखाएं। शुरू करते हैं, देखिए दूसरा एफ ऑफ वाई कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव, तो दिस इज माइनस। अब ये एंगल से दूर का कंपोनेंट है इसीलिए इसका नाम आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 70 साइन ऑफ 40। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो ये भी वापस से नेगेटिव आएगा जो है 70 साइन ऑफ 40 एंड द वैल्यू इज 44.995 न्यूटन, जिसको मैं इसको लिख सकता हूं 44.995 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड। ये हो गया मेरे पास में दूसरा एक सवाल।
चलिए अगर हम अभी बात करते हैं, ये मेरे पास में एक ब्लॉक रखा है जिसको मैंने एक तिरछे जैसे समझिए, जमीन पर अगर एक भारी सा सामान रख दिया तो ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर इसी सामान को मैं ऐसा नहीं रख के ऐसा रखता हूं तो इसका जो वजन है वो तो सीधा एक्ट करेगा नीचे। इसका वजन मैंने दिया है 2100 न्यूटन। मैं क्वेश्चन वही बोलता हूं, इसको भी रिजोल्व करिए। अब जो इसको रिजोल्व आप करेंगे तो मैं आपको जो क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं वो है रिजोल्व अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टेबल। इसको मैं आपको समझा दूं मैंने क्या बोला। मैं आपको ये बोल रहा हूं अलोंग मतलब इस दिशा में, अलोंग मतलब इस दिशा में, एंड परपेंडिकुलर मतलब इसको परपेंडिकुलर ऐसा। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस डायरेक्शन को एक्स पकड़े, इस डायरेक्शन को वाई पकड़े। मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा है, तो चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्स मेरा ऐसा है तो अगर मैं फोर्स यहां लगाऊंगा कि यहां लगाऊंगा डिपेंड करता है। तो देखिए ये मेरे पास में एक्स और वाई, मैं अगर यहां से इसको इस तरीके से पुल करके छोड़ता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। यहां पे मैं आपको दिखा दूं किसी भी पॉइंट पे अगर हम कर दें तो समझिए ये हो गई मेरी एक्स की डायरेक्शन, ये हो गई हमारी एक्स की डायरेक्शन, और इसी को परपेंडिकुलर यहां से हमारे पास में हो गई ये वाई की डायरेक्शन। चलिए बात करते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, अब ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये 30 डिग्री है तो ये बन जाएगी 60 डिग्री। अब बात करते हैं वापस से, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, फोर्स का, ये फोर्स था, इसका एक एंगल निकाल लिया वर्टिकल के साथ। आपको एंगल निकालना बहुत जरूरी है। एक बार थीटा मिल गया तो थीटा के जस्ट साइड का कंपोनेंट कॉस बोल देना, थीटा से दूसरे दूर का कंपोनेंट साइन बोल देना। तो देखो ये बगल का कंपोनेंट है, वर्टिकल है, मैं इसको बोलूंगा ये मेरा fy कंपोनेंट है और ये मेरा fx कंपोनेंट है। fx कंपोनेंट कहां जा रहा है, तो fx कंपोनेंट मेरा इस दिशा में जा रहा है, देखिए इधर नेगेटिव की तरफ, तो मैं इसको बोलूंगा ये माइनस है। थीटा से दूर का कंपोनेंट है, थीटा से दूर का कंपोनेंट साइन कहलाता है, तो ये हो जाएगा 2100 साइन ऑफ 30। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसी हिसाब से एफ ऑफ वाई का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि नीचे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे 2100 इनटू कॉस ऑफ 30। वैल्यू निकालना काफी सिंपल है, वापस से वही काम करते हैं, 2100 साइन ऑफ 30 विच इज 1050 बिकॉज वी नो दैट साइन 30 इज 0.5 1050 न्यूटन। लेकिन नेगेटिव वैल्यू हटाकर मैं इसको लिखता हूं 1050 न्यूटन, और ये जो मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन कहां पर जा रहा है, तो ये मेरा डायरेक्शन लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेफ्टवर्ड। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, आप इसको लेफ्ट में ऐसा दिखाना चाहे दिखाइए, या फिर अगर आप इसको बहुत स्पेसिफिकली इस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं कि लेफ्ट में जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर रहता है लेफ्ट में हमेशा ऐसे ही दिखा के छोड़ दिया करें। नेक्स्ट 2100 इंटू साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 30 2100 कॉस ऑफ 30। सो ये वैल्यू आ जाता है -1818.653 जिसको मैं पॉजिटिव में लिखता हूं 1818.653 न्यूटन, और ये जो वैल्यू है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने के बाद एक चीज खाली ध्यान रखना है, जब भी आप कोई फोर्स ले रहे हैं तो उसका कोई एक एंगल या तो हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लें या वर्टिकल के साथ निकाल लें। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसमें अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हॉरिजॉन्टल को हम बोलेंगे एफ कॉस ऑफ 30 एंड दिस इज एफ साइन ऑफ 30। सो इस हिसाब से हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के एंड पे जो आज हमने सीखा है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज सीखा। सबसे पहले हमने देखा फोर्स क्या होता है, फिर हमने देखा फोर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स देखे। चलिए इसी के साथ मैं आशा करता हूं और आपसे विदा लेता हूं।
पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्दी अपने तीसरे पार्ट में। थैंक यू।